देखते खबर बुट्टी बोरी से कोरोना वायरस को लेकर जन जागृति का कार्यक्रम लिया जा रहा है। इसी श्रृंखला में बुट्टी बोरी नगर परिषद के नगराध्यक्ष बबलू गौतम ने स्वच्छता के कई कार्यक्रम लिए हैं। स्वच्छता अभियान को लेकर बुट्टी बोरी के तमाम नागरिक काफी खुश नजर आए और सबसे अच्छी बात तो यह है कि बबलू गौतम इन्होंने अब तक के 2000 लोगों को सैनिटाइज किया है, जिसके चलते कोरोना वायरस की जन जागृति का काम पूरे जोर से किया जा रहा है। कोरोना वायरस से पूरी दुनिया में दहशत व्याप्त है, इससे भारत भी पीछे नहीं है। भारत के महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के विदर्भ में, विदर्भ के नागपुर में और नागपुर जिले के अंतर्गत आने वाले बुट्टीबोरी इस गांव के परिसर में यहां के नगर परिषद कार्यालय से लेकर तमाम जगहों पर कोरोना वायरस की जन जागृति बुट्टीबोरी नगर परिषद के नगराध्यक्ष बबलू गौतम द्वारा किया जा रहा है। पिछले 8 दिनों से स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है कोरोना वायरस को दूर भगाने के लिए, या ये कहें कि इसकी रोकथाम करने के लिए बबलू गौतम के मार्गदर्शन में नगर परिषद में फॉगिंग किया गया। बैनर पोस्टर के जरिए लोगों में जन जागृति की जा रही है। इस बारे में बबलू गौतम इन्होंने NBCN को जानकारी दी। पूरे दुनिया में कोरोना वायरस का संकट को देखते हुए बुट्टीबोरी नगर परिषद का नगराध्यक्ष इस नाते करीब 5-6 दिनों से हम लोग जन जागृति का अभियान शुरू किया है हमने, और यहाँ पर फॉगिंग मशीन चलाना, स्वच्छता पे ध्यान रखना, लोगों को मार्गदर्शन करना, इसी प्रकार से आज सुबह हम लोगों ने सैनिटाइजर के साथ में पब्लिक से संपर्क किया और 1200 से 1500 लोगों के खुद हमने हाथ धुलवा दिए और उनको मार्गदर्शन किया कि किस प्रकार से आपको रहना है, सैनिटाइजर कितनी बार यूज करना है, घर में बच्चों पर कैसा ध्यान देना है, ज़्यादा भीड़ के जगह पे जाना नहीं है, नमस्कार लेना है, हाथ सेकेंड करना नहीं है। और इसी प्रकार से कल से भी हमारा ये उपक्रम जारी रहेगा। करीब 25,000 से 30,000 लोगों के हम खुद हाथ धुलाने का हमने प्रण किया है, और मैं महाराष्ट्र सरकार और नागपुर कलेक्टर साहब से विनंती करूंगा, जिस प्रकार से आपने सभी जगहों पे एक आदेश दिया है, स्कूल कॉलेज बंद की है, उसी प्रकार से यहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया है, 350 कंपनी है, एक कंपनी में 1,000 से 2,000 लोग काम करते हैं, तो उनको भी सुख सुविधा प्रदान हो, गेट पर अंदर जाते वक्त सैनिटाइजर का वहाँ पर व्यवस्था की जाए, अंदर काम करते वक्त मास्क प्रोवाइड किया जाए, ताकि ये वायरस से हम सब बच सके। और इसी प्रकार से ये हमारी मुहिम जारी रहेगी। कोरोना के अब तक राज्य में 119 मरीज पाए गए हैं। अब तक के बबलू गौतम इन्होंने तकरीबन 2000 लोगों को सैनिटाइज भी किया है, ये सबसे अच्छी बात कही जा रही है। बुट्टीबोरी से संजय मिरे, NBCN न्यूज़ नागपुर।